और बड़ी खबर आपको बताते चले, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया था, अब पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई है। 6 महीने के अंदर दोबारा होगी परीक्षा और पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द। 48 लाख छात्रों को राहत मिलेगी, बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर लीक होने के बाद ये फैसला लिया गया। 48 लाख छात्रों को राहत मिलेगी, तो पेपर लीक के बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। यूपी पुलिस परीक्षा 2023 निरस्त और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। देखिए, पेपर लीक होने के बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें कहा गया कि एक शख्स जिसे पकड़ा गया वो एग्जाम हॉल में था, उसके पास जो क्वेश्चन पेपर उसी के जवाब भी, और एहतेसाम सिद्धि की इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ के सबसे पहले इनका रुख करते हैं। एहतेसाम, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और 48 लाख युवाओं को यहां पर बड़ी राहत मिलती हुई, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है और देश की सबसे बड़ी परीक्षा में इसका नाम लिया जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास देश की सबसे बड़ी पुलिस है और उस पुलिस परीक्षा का पेपर आउट होना कहीं न कहीं सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करता है और विद्यार्थी लगातार उसका विरोध कर रहे थे। पुलिस ने जिन साल्वर गैंग को पकड़ा था, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, उनके पास जो चिट्स बरामद हुई थी, उससे पूरी तरह से पुलिस के पेपर मैच कर रहे थे। और कल पुलिस भर्ती बोर्ड ने तमाम लोगों से गुजारिश किया था, उनके पास जो भी सबूत है वो पेश किया जाए। तो हम आपको बता दें, तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों ने वो सबूत पुलिस भर्ती बोर्ड को पेश किए और उसमें काफी लोगों के पास सबूत थे। उनका यह कहना था कि टेलीग्राम के जरिए 2 घंटा पहले ही पेपर आउट हो चुका था और जिन जिन लोगों को ये पेपर मिला था उन लोगों ने उन्हीं सवालों पर टिक निशान लगाए थे। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा था कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए कि न किया जाए। हम आपको सियासी माने बता दें कि विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाए चला जा रहा था और लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में जो विद्यार्थी हैं 48 लाख उनके परिवार भी कहीं न कहीं से जुड़े हैं, ऐसे में लगातार दबाव बनता जा रहा था कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। आखिर में सरकार ने अपने वरिष्ठ अफसरों से बात करने के बाद, मुख्यमंत्री को पूरी घटनाक्रम को अवगत कराने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। जी, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? देखिए, एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए एफआईआर जो दर्ज कराई गई है उसमें तस्वीरें बिल्कुल साफ है। जी हाँ, देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे सारे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, वो एफआईआर में इस बात का जिक्र है। और जिन जिन लोगों को पेपर मिले थे और जिन जिन जगहों पर एसटीएफ ने लोगों को उठाया था, सारे अमूमन वही पेपर मैच कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी परीक्षा जिसकी निगरानी खुद यूपी पुलिस के पास थी, वो आखिर कैसे लीक हुई? और जहां जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसमें साफ तौर से जानकारी लग रही है कि जो एजेंसियां थी, चाहे वो एसटीएफ थी, एटीएस थी और भी जो खुफिया एजेंसी है, वो लगातार व्हाट्सएप पर नजर रख रही थी। तो ये जो पेपर आउट करने का रैकेट था, जो गेम हुआ है, वो टेलीग्राम से हुआ है। आप ये मानिए कि नजरें व्हाट्सएप पे थी और पेपर आउट हुआ है टेलीग्राम से। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि अब सरकार की तरफ से उच्च अधिकारियों का क्या बयान आता है और ये परीक्षा कब कराई जाती है। तो सरकार ने यह भी कहा कि वो परीक्षा जल्द कराएगी और आगामी आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के अफसरों पर, पुलिस भर्ती बोर्ड के आला अधिकारियों पर भी ये दबाव बढ़ गया है कि वो परीक्षा को रद्द कराने के बाद दोबारा पेपर सेट कराना, दोबारा एग्जाम कराना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि एग्जाम इतने बड़े लेवल पे था कि दो दिनों में एग्जाम कराना पड़ा और उस एग्जाम की वजह से यूपी में जो शनिवार को तहसील दिवस लगता था उसको भी चेंज करना पड़ा। तो ऐसे में अब ये देखना सबसे बड़ी चुनौती है कि जो पॉलिटिकल कार्यक्रम लगे हुए हैं यूपी में, जो बड़े नेताओं की जनसभाएं लगी हुई हैं या जो सरकारी कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, उन सब चीजों को देखते हुए आखिर कब किया जाए। तो अब थोड़ी देर में आला अधिकारियों की तरफ से बयान आएगा, अपडेट जानकारी आएगी, हम आपको और अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लखनऊ में
प्रदर्शन चल रहा था, लखनऊ में हजारों छात्र बैठ के प्रदर्शन दे रहे थे, जिनको चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए या विपक्षी दलों की बात, वो लगातार इसको मुद्दा बनाए जा रहे थे। अब उनकी आखिरी एक मांग थी, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि पेपर जब आउट हुआ तो उसको रद्द कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कहना है कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेपर रद्द करना और पेपर कराना ये पुलिस भर्ती बोर्ड का काम होता है, इसलिए पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगा उस हिसाब से सरकार फैसला लेगी। लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड को जो सबूत मिल रहे थे और पुलिस भर्ती बोर्ड ने साफ कहा था जिसके पास भी ठीक है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।